नमस्कार, वाफएक्स में आपका स्वागत है। आज वाफएक्स में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जनजाति के बारे में जो AK-47 लेके घूमती है। बताने जा रहे हैं मुरसी जनजाति के बारे में, जिसके हाथ में AK-47 और होठ पर नजर डालते ही रूह कांप जाए। पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया की मुरसी जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति माना जाता है। किसी को मानना इस जनजाति के लिए मर्दानगी और बहादुरी की निशानी होती है। उनका कहना है कि किसी को मारे बगैर जिंदा रहने से बेहतर है कि मर जाओ। ये महज कहने के लिए एक लाइन नहीं है, बल्कि अफ्रीका की ये जनजाति का जिंदगी जीने का तरीका है। ये वो सोच है जो पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया की मुरसी जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति बना देता है। किसी को मारना इस जनजाति के लिए मर्दानगी और बहादुरी की निशानी होती है। हालांकि ये जनजाति आज बहुत हद तक बदल चुकी है। खून खराबा पहले की तुलना में कम हो गया है। लोग भी इनसे संपर्क करने लगे हैं, मगर बावजूद इसके मुरसी जनजाति में कई अजीब प्रथाएं और प्राचीन तौर तरीके जारी हैं। साउथ इथियोपिया और सूडान बॉर्डर स्थित ओमान वैली में फैली इस जनजाति की आबादी करीब 10,000 है। मुरसी जनजाति के लोग अपनी पूरी जिंदगी मवेशी चराते हैं, डंडों से लड़ते झगड़ते हैं और पड़ोसी जनजातियों से उलझते हुए जीवन गुजारते हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है ये AK-47 जैसे खतरनाक हथियार खरीदने से भी नहीं चूकते हैं। AK-47 का पुराना मॉडल 8 से 10 गाय देकर लिया जाता है, जबकि नए मॉडल के लिए 30 से 40 गाय देनी पड़ती है। इन हथियारों की आपूर्ति उन्हें पड़ोसी देशों सूडान और सोमालिया से की जाती है। यहाँ की एक और प्रथा है, वो ये देखिए। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे होठ के नीचे एक डिस्क लगाई हुई है। इस जनजाति की महिलाएं बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाती है। इसके तहत लड़कियों की माँ 15 साल की उम्र के बाद कबीले की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़कियों के निचले होठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क लगाती है। फिर कुछ महीने के बाद उसमें 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा देती है, जो कि पूरी जिंदगी उसके होठ में लगी रहती है। होठ पर लगी इस डिस्क के कई मतलब होते हैं। सबसे पहला तो इसे सुंदरता की निशानी माना जाता है। दूसरा, ये पति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, क्योंकि इसे भोजन परोसते समय बड़े गर्व के साथ पहना जाता है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो होठ की प्लेट हटा दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि महिला की बाहरी सुंदरता पति की मौत के बाद फीकी पड़ जाती है। इसके अलावा ये प्लेट मुरसी जनजाति की पहचान भी बन चुकी है। मुरसी जनजाति में किसी के अमीर गरीब होने का पैमाना गाय ही होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान मवेशियों की मदद से ही होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ दहेज लड़की वाले नहीं बल्कि लड़के वाले देते हैं। दूल्हे का परिवार दुल्हन के पिता को दहेज के रूप में आमतौर पर 20 से 40 गाय देता है। अच्छी लड़की को पाने के लिए यहाँ खूनी संघर्ष भी हो जाते हैं। जो जितना हिंसक होता है उसे उतना ही बहादुर माना जाता है। बता दें कि मुसी जनजाति के लोग लड़ाई से पहले खूब जानवरों का खून पीते हैं, ताकि वो ज्यादा मोटे और ताकतवर बन सके और कबीले में सम्मानजनक पोजीशन प्राप्त कर सके। ऐसी है मुरसी जनजाति। आपको क्या लगता है इस जनजाति के बारे में? क्या आपने इसके बारे में पहले भी सुना था? कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी राय भी दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और वाफएक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।